हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एक कन्वेंशनल टाइप की प्रॉब्लम जो आपकी बेस्ड थी लिमिट स्टेट मेथड के आधार पर, जिसमें हमने डिजाइन करना सीखा था आपका एक्सियली लोडेड कॉलम। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब भी हम एक्सियली लोडेड कॉलम को डिजाइन करते हैं तो उसके दो केसेस होते हैं। पहला केस आपका तब बनता है कि जब हमारे पास कॉलम का साइज क्या होता है, आपके पास गिवन होता है। जब कॉलम का साइज आपके पास गिवन होता है तो उसमें आपको उसकी विड्थ भी मालूम होती है और उसकी डेप्थ भी मालूम होती है। जब उसकी विड्थ और डेप्थ मालूम होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ उसने लोड भी गिवन दिया होता है। अब जो लोड की कंडीशन हो सकती थी वो आपके पास क्या क्या हो सकती थी? आपके पास सर एक्सियल लोड भी हो सकता है, बिल्कुल सर एक्सियल लोड भी हो सकता है, और आपके पास अंडर सर्विस लोड भी लिखकर आ सकता है, अंडर सर्विस लोड भी आ सकता है आपके पास। और तीसरी कंडीशन जो लोड की हो सकती थी वो आपके पास वर्किंग लोड भी हो सकता था। क्लियर है? वर्किंग लोड भी हो सकता था। कब? जब आपका कॉलम साइज गिवन था। और कॉलम साइज गिवन के आधार पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पूरा कंप्लीट डिजाइन करके बताया था। डियर, क्लियर है? और क्या गिवन हो सकता था सर उसमें? आपके पास एफसी के गिवन हो सकता था। एफसी के बोले तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन हो सकता था, एंड आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास गिवन होगा। उसी तरह से अब आज जो हम सॉल्व करना सीखेगा, यानी कि डिजाइन करना सीखेंगे, वो किसको सीखेंगे? आपके एक्सियली लोडेड कॉलम को सीखेंगे, जब हमारे पास कॉलम का साइज गिवन नहीं हो। बट जब कॉलम का साइज गिवन नहीं हो तो उस कंडीशंस में भी आपको लोड क्या होगा? नॉन होगा। अब जो लोड की कंडीशंस हो सकती है वो आपके पास यहां पे भी क्या हो सकती है सर? वो एक्सियल भी बोल सकता है, आपके पास एक्सियल लोड भी हो सकता है यहां पर, और दूसरा यहां पर अंडर सर्विस भी बोल सकता हो, अंडर सर्विस लोड भी बोल सकता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो सकता है आपके पास? वर्किंग लोड हो सकता है, वर्किंग लोड हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बुक्स को उठाकर देखोगे तो वहां पर यहां से क्वेश्चंस मिलेगा आपके पास। वहां पर या तो उसने एक्सियल लोड बोला है या अंडर सर्विस लोड या वर्किंग लोड बोला है, और उसने कहा है कि टू डिटरमाइन द कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड। जब भी हम किसी एक्सियल लोड या अंडर सर्विस लोड और वर्किंग लोड को उसके क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड में कैलकुलेट करते हैं या उसके फैक्टर लोड या कोलैप्स लोड में कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो भी ये गिवन लोड होगा, गिवन लोड को रिप्रेजेंट किया है मैंने पी से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। सर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम जो अपने एक्सियली लोडेड कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अपने लिमिट स्टेट मेथड के आधार पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेप्स तो आपका दोनों ही सेम था। क्लियर है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप भूल गए हो तो आपको दोबारा से ये चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। क्लियर है? दूसरे स्टेप्स में हम बात करेंगे अपने कब, जबकि कॉलम का साइज गिवन ही नहीं होगा, क्या करेंगे? कैलकुलेट द फैक्टर लोड। तो पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया है कि सर आपको फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है, और फैक्टर लोड क्या होता है आपके पास, जिसको मैं PU से रिप्रेजेंट करता हूं। PU क्या होता है कि जो भी गिवन लोड होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। और यहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा आपके डिजाइन ऑफ कॉलम में, वो कितना लिया जाएगा? 1.5 लिया जाएगा। क्लियर है? अब जैसे ही आपने फैक्टर लोड कैलकुलेट कर दिया होगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो आपके पास कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ होगा। नो डाउट जब आपके पास कॉलम का साइज गिवन था तो वहां पर भी आपको सेकंड स्टेप्स क्या करना था? कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना ही होगा। अगर क्वेश्चंस में उसने डायरेक्टली बोला है कि सर इफेक्टिव लेंथ है, तो आपको एडिटेड इफेक्टिव लेंथ लेना है, या उसने कंडीशन दे दी है आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ दिया है और साथ में कॉलम की कंडीशन दे दी कि सर कॉलम आपका फिक्स्ड है दोनों एंड्स से, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है? सर अनसपोर्टेड लेंथ लेना है या सर आपके पास कंडीशन को चेक करना है? तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, जो कंडीशंस होगी कॉलम की उसके आधार पर आपको IS 456-2000 के अकॉर्डिंग अपना एल इफेक्टिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? हालांकि मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा कि किस तरह से करें सर। क्लियर है?
उसी तरह से जब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, कब, जब कॉलम का साइज गिवन ही नहीं होगा, तो थर्ड स्टेप में आपको एज्यूम करना होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो इन बिटवीन होना चाहिए, किस किस के बीच में, 0.8% टू 6% के बीच में होना चाहिए। इसमें आप सभी को क्लियर है कि जो मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का 6% होता है, यानी कि 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये कब होता है, जब आपकी जो मेन बार्स होंगी वो कैसी होंगी, आपके पास अनलैप्ड होंगी, क्लियर है। और 0.8% कब होगा, इट इज द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। आपको क्या करना है, इसको कम से कम एज्यूम करना है। आप इसको 1% भी एज्यूम कर सकते हैं, 2% भी एज्यूम कर सकते हैं, जितना आप पे डिपेंड है, यानी कि 0.8 से 6% के बीच में आपको इसको एज्यूम करना है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे अपने इसके नेक्स्ट स्टेप की, तो रहेगा कैलकुलेट द साइज ऑफ कॉलम। जो आपके पास ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 है, इसको आप एक ही स्टेप भी बना सकते हैं। जैसे ही आप कॉलम के साइज का डिटरमिनेशंस करेंगे, तो उसके साथ ही आप क्या अज्यूम कर लो, अपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का एरिया भी अज्यूम कर लीजिएगा। हालांकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पे आपका ये क्लियर हो जाता है, बट यहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है, कब, जब कॉलम का साइज आपको गिवन होता है, क्लियर है। उसके बाद जैसे ही आपने कॉलम के साइज का डिटरमाइन कर दिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक चेक लगाना पड़ेगा, और ये चेक काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने कॉलम का साइज डिसाइड कर लिया है, तो उस साइज के आधार पर आपको बताना है कि जो आपका कॉलम है वो किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब कि वो सर शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें उसकी स्लेंडरनेस लिमिट्स को चेक करना होगा। तो स्लेंडरनेस लिमिट्स आपको क्या बताएगी, कि आपका कॉलम शॉर्ट है, लॉन्ग है या पेडस्टल है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपका लेस देन 3 रहा तो उसको हम पेडेस्टल बोलेंगे, अगर उसका स्लेंडरनेस रेशियो 3 से ज्यादा हो और 12 से कम हो तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, और अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपका 12 और 12 से ज्यादा हो तो उसको हम लॉन्ग कॉलम में काउंट करेंगे। बट ध्यान दीजिए, जब भी आप आरसीसी कॉलम को डिजाइन कर रहे हो तो उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सर 60 से ज्यादा हो गया तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपके कॉलम में बकलिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद आपको उसका मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया चेक करना है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया आपको क्यों चेक करना है, क्योंकि भाई आप कॉलम को डिजाइन कर रहे हैं डिजाइन पर्पस से, तो आपका हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो, ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि उसको आपने डिजाइन किया है किसके लिए, ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए। बट ऐसा प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप साइड्स पे कॉलम को डिजाइन करते हैं तो कॉलम के अंदर हो सकता है कि जब आपने वहां पे कंक्रीट की प्रोपोर्शंस की होगी तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग प्लेसिंग और ट्रांसपोर्टेशंस में कोई ना कोई आपको डिफिकल्टी हुई होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने उसके अंदर प्रॉपर क्यूरिंग की होगी, कंक्रीटिंग की प्रॉपर टैंपिंग की होगी उसकी, तो उसके पॉइंट्स के मद्देनजर रखते हुए कॉलम को आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना होता, और जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डाइमेंशंस होता है। और जो यहां पे आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया चेक करोगे, उसके विड्थ के अलोंग भी चेक करोगे और उसके डेप्थ के अलोंग भी चेक करेंगे, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। अब ये जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील आया है, इसको आप चाहो तो 3-4 स्टेप्स के बाद भी कर सकते हो, कि जैसे ही आपने सर स्टेप 3 स्टेप 4 किया है उसके बाद करना चाहो तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टील आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। बट मैंने इसको चेक के बाद लिखा है, क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही सर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टील का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, तो उसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि जितना भी आपने डाया और बार एज्यूम करना अपने लॉन्गिट्यूडनल स्टील का, वो आप एज्यूम कर सकते हैं, डियर, क्लियर है। वो आपका 20 हो सकता है, आपका 24-25 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 32 हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कितना एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप्स आएगा आपके पास, वो कैलकुलेट द लेटरल रेइंफोर्समेंट आएगा। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टील्स को अपने कॉलम्स के अंदर डाल दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन कॉलम में बकलिंग नहीं आएगी, तो
जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील की जो बार है वो क्या करने की कोशिश करेगी, वो बकल करने की कोशिश करेगी किस डायरेक्शन में, आपके लेटरल डायरेक्शंस में, ताकि आपका लॉन्गिट्यूडनल बार बकल ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब लेटरल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो उसकी बकलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नहीं बकलिंग ही नहीं होगा, क्लियर है, जिनको आप एज ए स्टीरअप्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास एज ए लैटरल टाइज की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन लिंक बोल सकते हैं, और दूसरा आपके पास हेलिकल और स्पाइरल्स की फॉर्म में बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं लेटरल टाइज की बात, तो लेटरल टाइज आपके पास एक सेपरेटिंग रिंग की फॉर्म में होती है, क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं कि सर वो कहां पे प्रोवाइड की जाती है, तो उसको आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम्स में प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं आपकी हेलिकल रेनफोर्समेंट की, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट आपकी कहां प्रोवाइड की जाती है, आपके सर्कुलर कॉलम्स के अंदर प्रोवाइडेड की जाती है, डियर, क्लियर है। तो ये डिजाइन स्टेप्स है, मैंने आपको पूरा का पूरा डिजाइन प्रोसीजर अच्छे से रिवाइज करवा दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब कॉलम का साइज गिवन हो, तो वहां पे भी आपको यही करना है कि चेक करना है स्लेंडरनेस एंड उसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी को। उसके बाद आपको उसका एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील कैलकुलेट करना है, यानी कि ASC कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसकी लेटरल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया आपको चेक करना है, यानी कि देखें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं है, सिर्फ मुझे जो चेंज लगता है, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज दिखता है मुझे कि यहाँ पे आपको पहले से ही एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का एज्यूम करना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपका कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है जब कॉलम का साइज गिवन नहीं है। सर ये तो आपने बता दिया है कि सर वहां पे लोड हो सकता है, लोड की कंडीशन दे दी, सर इसके अलावा और क्या गिवन हो सकता है, इसके अलावा आपके पास वो क्या दे सकता है, सर आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी होगा यहाँ पर एंड ग्रेड ऑफ स्टील भी देगा। नो डाउट जब आपके पास कॉलम का साइज गिवन था तो इस कंडीशन में भी आपका क्या गिवन हो सकता था, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी गिवन था और आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन था। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कॉलम को डिजाइन करते हो तो कॉलम में जो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ स्टील होता है, यानी कि जो आप ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो Fe415 करते हैं। Fe500 का यूज हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका यूज हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के अंदर करते हैं, क्लियर है। हालांकि उसका भी मैंने रीजन आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम इससे ज्यादा क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। ये रहा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चंस में बोला है कि डिजाइन फॉर शॉर्ट RCC कॉलम। हालांकि उसने पहले से ही यहाँ पे क्लासिफाइड किया है कि जो आपका कॉलम है वो कैसा है, सर शॉर्ट है, बट हम तो चेक करेंगे कि शॉर्ट है भी या नहीं है, क्लियर है। कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड, देखिएगा लोड कैसा है, एक्सियली लोडेड है ऑफ 1600 किलो न्यूटन, कितना दिया गया है आपके पास, 1600 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर दे दिया गया है। इट इज 4 मीटर लॉन्ग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास यहाँ पर उसने तो लॉन्ग दे दिया है, नहीं कि लेंथ दे दी है। अब ये कौन सी लेंथ हो सकती है, कॉलम के पास दो ही लेंथ होती है, आपके पास एक अनसपोर्टेड लेंथ और दूसरी उसकी इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर जो ये 4 मीटर लॉन्ग है, आप इसको अनसपोर्टेड लेंथ काउंट कर सकते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ दे दिया है और साथ में कंडीशंस भी दे दी गई है। कंडीशंस क्या दी है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशंस। यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका रोटेशन होगा, ठीक है, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, क्लियर है। क्या बोल रहा है कि वो अपनी पोजीशन दोनों एंड पर क्या है, हेल्ड इन पोजीशन है एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन है। रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन का मतलब है कि दोनों ही सपोर्ट पे, एंड सपोर्ट पे क्या होता है, उसमें रोटेशन अलाउड ही नहीं है। रिस्ट्रेन का मतलब है कि उसको रोका जा रहा है कि भाई आपका रोटेशन अलाउड नहीं है। और हेल्ड इन पोजीशन का मतलब क्या है कि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, ना तो एक्स डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है ना वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ऐसा तो आपको पॉसिबल कब होता है कि जब सर हमारे पास दोनों एंड कैसे होते हैं, सर फिक्स्ड होते हैं। ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको आज ही बता रहा हूं, क्लियर है। तो ये आपके पास दोनों एंड कैसे हैं, सर इसके फिक्स है। और जब दोनों एंड फिक्स है तो आपके पास ये कंडीशंस कुछ इस तरह से बनती है, ये मैं बता रहा हूं। कॉलम के दोनों एंड आपके पास जब फिक्स है, ये हो गया आपके पास फिक्स्ड,
और ये हो गया आपके पास फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी कुछ ही डिस्टेंस तक, यानी कि इसके 1/4 पार्ट तक तो इसकी फिक्सिडिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, यानी कि 1/4 पार्ट तक तो क्या रहती है सर, इसकी फिक्सिडिटी मेंटेन रहती है। बट जैसे ही उसके ऊपर लोड लगता है तो उसके बाद 1/4 के बाद इसके अंदर क्या आ जाती है सर, कुछ तरह की कर्वेचिंग आ जाती है। दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व। तो यहां पर इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इसकी इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। क्लियर है, या तो एल ई लिखो आप या फिर एल इफेक्टिव। और यहां पर जब हम बात करते हैं इसकी दो वैल्यूज होती है। अब दो वैल्यूज कौन कौन सी होती है, हालांकि ये चीज आपको पहले से ही पता होती है। एक आपके पास थ्रियोटिकल वैल्यू होती है, दैट इज एक थ्रियोटिकल वैल्यूज होती है, और दूसरी आपके पास कौन सी होती है, IS 456-2000 वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या रहती है इसकी, कि जब दोनों एंड आपके फिक्स हो तो इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, यानी कि एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, 0.50L होता है। अब ये L कौन सा है आपका, अनसपोर्टेड लेंथ है। क्लियर है, बट जब हम इसकी IS 456-2000 वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या बन जाती है सर, इसकी L इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.65L बन जाती है। L इज द थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है, L क्या आपके पास, अनसपोर्टेड लेंथ है। और अनसपोर्टेड लेंथ को उसने कहा है कि वो 4 मीटर लॉन्ग है, ये 4 मीटर लॉन्ग है, बट जैसे ही इसके ऊपर क्या पड़ता है, लोड का इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी कॉलम में अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व फॉर्म होता है, जो आपका क्या रहता है, दैट इज एल इज इक्वल टू 0.65L रहता है। ये कब रहता है, जब दोनों एंड आपके फिक्स हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके दोनों एंड फिक्स है तो इसके 1/4 डिस्टेंस तक, यानी कि 0.25 तक उसकी फिक्सिडिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। बट उसके बाद ही क्या आ जाता है, उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको मैंने यहां पर क्लियर बता दी है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तो आइडिया मिल गया होगा कि जो आज आपका कॉलम है उसको आप किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं, या तो शॉर्ट कॉलम डिजाइन होगा या फिर आपका लॉन्ग कॉलम डिजाइन होगा। तो मैं यहां पर साथ साथ में आपको एक डायग्राम्स भी बता देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके कम से कम आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे डायग्राम की। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर हो ही गया है सर, कि या तो आपका कॉलम कैसा होगा आरसीसी का, रेक्टेंगुलर होगा या फिर आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शंस बनाना चाहें तो इसका सर क्रॉस सेक्शन भी हम बना लेते हैं। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शंस। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें भाई, क्योंकि जब भी आप कन्वेंशनल पेपर की तैयारी कर रहे हो तो डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, अब जो ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो सकता है कॉलम का, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और मेरे पास स्क्वायर भी हो सकता है, इतना तो मुझे आइडिया है। जब मेरे पास रेक्टेंगुलर हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है, तो इसमें आप सभी को पता है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड की जाती है, कितनी बार्स प्रोवाइड की जाती है, आपके पास 4 प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है, तो बिल्कुल सही। तो 4 हम उसके कॉर्नर, 4 है तो उसके कॉर्नर में डाल देंगे सर, 4 बार, एक बार कॉर्नर में डाल देंगे। ये दूसरी बार हो गई आपके पास, ये तीसरी बार हो गई है सर, और ये आपके पास 4 बार्स हो गई है। कितनी बार डाल दी आपने, 4 बार डाल दी है। तो ये आप किस तरह से दिखाएंगे इसको, कुछ इस तरह से, ये हो गया आपके पास 1 बार, ये हो गया आपके पास 2 बार, ठीक है, और ये हो गया आपकी 3 बार, 1 बार इसके आपके बैक में होगी। क्लियर है, तो अगर मैं यहां पर इसके क्रॉस सेक्शन में दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से होगी, ये कुछ 1 बार हो गई है इसकी, और ये इसकी 2 बार हो गई है, दूसरी बार कॉर्नर में, ये आपके पास 3 बार हो गई है, और ये आपके पास 4 बार हो गई है। ठीक है, अब जो ये आपका कॉलम होगा, इस कॉलम में आपके पास नो डाउट कुछ ना कुछ क्या होगा सर, कंक्रीटिंग की होगी आपने, क्योंकि भाई जब आप कॉलम बना रहे हैं तो इसमें आपका एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी होगा, बिल्कुल होगा सर। तो आप कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको नहीं गंदा करूंगा, ठीक है, ऊपर मैंने कर दिया है। तो जब आपके पास ये कॉलम होगा सर, तो इसका आपके पास क्या होगा सर, एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा यहाँ पर। अब जब एरिया ऑफ कंक्रीट होगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल
टाइगिया भी होगा, बिल्कुल सर, तो आप उसको बोल सकते हैं। ए एस सी भी होगा आपको यहाँ पे तो एज्यूम करना है, और साथ में आपके पास यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये होगी सर इसकी विड्थ हो गई है यहाँ पर, ठीक है, और ये सर इसकी डेप्थ हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका ग्रॉस एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक मुझे ग्रॉस एरिया भी मिल जाएगा, क्लियर है। तो ग्रॉस एरिया क्या होता है आपके पास, बी इंटू डी होता है, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें जो आपको पहले से ही नॉन होनी चाहिए वो आपको आपने नोट डाउन कर ली है, क्लियर है। अब देखते हैं कि सर हमारे पास गिवन डाटा में क्या क्या दिया है। गिवन डाटा में आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम दे दी है, पहले अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम जो आपके पास कितनी दे दी है सर, वो हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग दे दी है। तो 4 मीटर्स को मैं एमएम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो गया सर, ये हो गया सर 4000 mm हो गया है। उसके बाद उसने जो कंडीशन दी गई है, अनसपोर्टेड एल को लिख दो आप एल, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सियल लोड दिया है, एक्सियल लोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कितना दे दिया है 1600 kN दे दिया है। अगर मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगा 1600 × 10³ N हो जाएगा, क्लियर है। उसके अलावा आपके पास क्या दिया है सर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया है, दैट इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपके पास दिया है, और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी के से, तो एफ सी के कितना दिया आपके पास 20 MPa, यानी कि M20 दिया है, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो ग्रेड ऑफ स्टील जिसको आप एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना दिया है 415 MPa दिया है, यानी कि न्यूटन पर mm², क्लियर है। उसके अलावा आपको एक कंडीशन दी गई है, कंडीशंस क्या है वो देखिएगा, कंडीशन दी है कि जो आपका कॉलम है, यानी कि कॉलम की एंड कंडीशन दे दी है कि को क्या है आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड Restrained उसको रोका जा रहा है रोटेशन से, अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके जो कॉलम है वो दोनों एंड से कैसा है सर, वो आपका फिक्स है, क्लियर है। तो अब हम जो बात करेंगे अपने उस स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे कि आपका स्टेप नंबर में क्या आएगा, फैक्टर लोड, क्लियर है, क्योंकि आपको जो लोड दिया गया हो आपका एक्सियल लोड दिया है। ये मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको काफी ध्यान रखने हैं कि जब आपके पास कॉलम साइज इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो उस कंडीशंस में लोड गिवन होगा, तो लोड आपका अंडर सर्विस लोड भी हो सकता है सर, अभी मैंने बताया आपका वो सर एक्सियली लोड भी हो सकता है आपके पास, हो सकता है सर। एक्सियली लोड के अलावा आपके पास और कौन सा लोड दे सकता है सर, वो वर्किंग लोड बोल सकता है आपके पास, दैट इज वर्किंग लोड बोल सकता है। जिस इन तीनों ही लोड को आपको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हो सकता है कि उसने पहले से ही उसको कोलैप्स बोला हो, अल्टीमेट बोला हो, या फिर फैक्टर्ड बोला है, दैट इज फैक्टर्ड लोड। तो ये जो लोड है इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप PU से रिप्रेजेंट करेंगे। आज तो ये वाली कंडीशंस है, तो आपको फैक्टर लोड पूछा है, यानी कि PU पूछा है, तो PU क्या होगा आपके पास, गिवन लोड मतलब P इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो P लोड आपके पास कौन सा दिया हुआ था सर, ये एक्सियल लोड दिया हुआ था, तो एक्सियल लोड आपके पास 1600 × 10³ N × ∗ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कितना लेना है सर, 1.5 लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16 को 1.5 से करोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 24 × 10³ N,
क्लियर है, यानी कि आपका इतना क्या आ गया है सर, वहां पर फैक्टर्ड लोड आ गया है, यानी कि जो आपका कॉलम डिजाइन किया जाएगा वो आपका 1600 किलो न्यूटन्स के लिए नहीं डिजाइन किया जाएगा, वो कितने के लिए डिजाइन किया जाएगा, आपका 2400 किलो न्यूटन के लिए। और आप लिख सकते हो, और करके लिख देता हूं, दैट इज 2400 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो आपको इतने लोड के लिए अपने कॉलम को डिजाइन करना है यहां पर। क्लियर है, तो ये है जो यहाँ पे जो आपका एक्सियल लोड एक्ट कर रहा होगा था 1600 किलो न्यूटन है, तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं उसको 1600 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन कर लेते हैं। नहीं, आपको कितने के लिए डिजाइन करना है इसको, 2400 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना है। क्लियर है, तो पहला स्टेप्स आपका क्लियर हो गया है। अब बारी आती है आपके सेकेंड स्टेप्स की। सेकेंड स्टेप्स में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम में आज जो आपको क्वेश्चंस में दिया है, अनसपोर्टेड लेंथ दे दिया है। क्या दे दिया है सर, अनसपोर्टेड लेंथ दे दिया है, अनसपोर्टेड लेंथ भी दे दिया है आपके पास, जिसको आप एल बोल सकते हैं, जो 4 मीटर्स की है। 4 मीटर्स बोले आपके पास 4 × 1000 ये हो गया आपके पास 4000 mm। क्लियर है, उसी तरह से आपके पास यहां पे कंडीशंस दे दी है। उसके बाद क्या दे दी है, कंडीशन दे दी है। कंडीशंस में क्या दे दी है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशंस। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर आपने इसके IS-456 टेबल में जाना है, वहां पे आपको ये वैल्यूज कुछ इस तरह से मिलेगी। तो यहां पे कंडीशंस दी गई है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस है एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है। तो ये आपको पहला ही उसने वैल्यू दिया है। तो पहला वैल्यू उसने क्या बोला है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन में है, कि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, वो एक्स डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर सकता है और ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड वो बोला है रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, और उसको रोटेशन के अलाउ होने पर भी उसको रोका जा रहा है। तो कंडीशंस क्या हुई आपका एंड कैसा हुआ सर, फिक्स्ड हुए हैं। तो यहां पर इसको डायग्राम में बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरह से आपके पास दे दिया है। हालांकि मैंने पहले बताया है, बट कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये है सर आपके पास, और कुछ ये है, दोनों एंड कैसे है सर आपके, फिक्स्ड है। ये हो गया आपके पास, दोनों एंड फिक्स है। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपके कॉलम्स के ऊपर लोड एक्ट करेगा तो कुछ डिस्टेंस तक बोले तो 1/4 डिस्टेंस तक आपके फिक्स एंड से 1/4 डिस्टेंस तक तो फिक्सिडिटी कायम रहती है, बट उसके बाद ही उसके अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाता है, आपका कर्व डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं अपना एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव, या तो आप एल इफेक्टिव लिखो या फिर आप सिंपल लिखो एल ई। क्लियर है, तो इस कंडीशंस में जो आपका एल ई होगा, तो यहां पे दो वैल्यू दी गई, थ्योरेटिकल वैल्यू, यह आपकी यूज होगी किसके केस में, सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और दूसरी वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यू जो आपकी यूज होगी किसके अंदर सर, आपके आरसीसी के अंदर। तो हम रिकमेंडेड वैल्यूज लेंगे, तो रिकमेंडेड वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशंस का मतलब हुआ, इट मींस कि आपके जो बोथ एंड्स है, जो बोथ एंड्स है वो आपके पास कैसे है सर, फिक्स्ड है। जब बोथ एंड फिक्स्ड है तो उस केस में जो आपका एल इफेक्टिव होगा वो क्या था आपका, 0.65 L था। एल क्या था आपका, अनसपोर्टेड लेंथ बोलो या लॉन्ग बोलो। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.65 × L। L है आपके पास 4 मीटर, यानी कि 4000 mm में हमने कर दिया है। तो ये कितना है आपके पास, दैट इज ये बन जाएगा आपके पास 4 × 65, तो ये बन जाएगा आपके पास 2600 mm बन जाएगा, यानी कि 2.6 मीटर्स के आसपास आपके पास आ गया है। क्लियर है, चलो मैं चेक कर लेता हूं कि कितना बना है, ये 0.65 × 4000 आपके पास 2600 mm बना है। तो जो भी आपको कॉलम को जब आपको डिजाइन करना था, तो जितने भी आपके गिवन
कंप्लीट होने चाहिए वो आपको मिल गए हैं, यानी कि आपको क्या मिल गया है सर, आपको अल्टीमेट लोड भी मिल गया है PU, जिसको आप फैक्टर लोड भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपको उसका इफेक्टिव लेंथ भी मिल गया है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि सर जो PU था मेरे पास वो कितना था, 2400 किलो न्यूटन था, और उसके बाद आपको इसका L इफेक्टिव भी मिल गया है। तो बिल्कुल सर, जो L इफेक्टिव था वो आपके पास LE से रिप्रेजेंट किया मैंने, वो क्या था सर, 2600 mm था। 2600 mm का मतलब मेरे पास कितना सर, 2.6 मीटर का था। क्लियर है? तो ये था हमारा कॉलम, क्लियर है। अब हम जो बात करेंगे अपने वो अपने स्टेप नंबर थर्ड की बात करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या देखेंगे कि टू डिटरमाइन द साइज ऑफ कॉलम, अब हम साइज ऑफ कॉलम को डिजाइन करने वाले हैं। तो साइज ऑफ कॉलम में आप सभी को मैंने अभी बताया है कि जो कॉलम है आपके पास यहाँ पर, इस कॉलम का कुछ ना कुछ ग्रॉस एरिया होगा। तो जो ग्रॉस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो ये ग्रॉस एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ सर कंक्रीटिंग भी फिल किया होगा, जो कंक्रीट भी आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसको मैं एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर बोल देता हूं, क्योंकि मैं कॉलम को डिजाइन कर रहा हूं। और जब आपके पास यहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल बार है, तो इसका आपके पास कुछ ना कुछ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी होगा। क्लियर है? अब आप क्या निकाल सकते हैं, इसका ग्रॉस एरिया भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका इसका ग्रॉस एरिया भी हो गया है। तो यहां से अगर मैं इसको ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना चाहूं, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में क्या आएगा आपके पास, कुछ एरिया एरिया ऑफ कंक्रीट का भी आएगा और कुछ एरिया आपका एरिया ऑफ स्टील का भी आएगा। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं सर, इसका साइज डिटरमाइन कर देता हूं। तो जो आपका ग्रॉस एरिया होगा, तो ग्रॉस एरिया क्या होगा सर, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा। क्लियर है? ये तो आपका हो गया है सर ग्रॉस एरिया। अब आपको यहां पे क्या करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम क्या बताया था कि एज्यूम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, एज्यूम दी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और आपने कितना एज्यूम कर लिया है, सपोज कि दिया 1% ऑफ ग्रॉस एरिया आपने एज्यूम कर लिया है, 1%। क्लियर है? ये बात आप सभी जानते हैं। इसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो होता है आपके पास, उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया होता है और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है। नो डाउट, मिनिमम्स में हम कितना लेते हैं सर, वो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया लेते हैं, और मैक्सिमम में कितना लेंगे सर, आपका 6% ऑफ ग्रॉस एरिया लेते हैं। क्लियर है? तो आज जो आपने कितना एज्यूम लिया है, आपने 1% ऑफ ग्रॉस एरिया लिया है। क्लियर है? तो यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल टू 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, कुछ इसी तरह से है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर इज इक्वल टू 0.01 इज ऑफ ग्रॉस एरिया, ऑफ 0.01 ऑफ ग्रॉस एरिया, एजी। क्लियर है? कुछ इस तरह से हो गया है मेरे पास, बिल्कुल सही। जब हमारे पास यहां पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर कितना है, 1% है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर होगा वो कितना होगा आपके पास, 99% ऑफ ग्रॉस एरिया होगा। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं सर, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर इज 0.99 ऑफ एजी होगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आपके पास क्या मिल गया है सर, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर भी मिल गया है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी आपके पास यहां पे क्लियर हो गया है। क्लियर है? तो यही था। तो यहां पर आप नोट पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि सर हमें क्या मिल गया है सर, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर मिल गया है, तो 0.01 ऑफ एजी है आपके पास, और एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर जो आपके पास है वो कितना है सर, आपका 0.99 ऑफ एजी है। क्लियर है? ये चीज आपने यहां पर ध्यान रख ली है। अब कुछ यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखना है। तो अगर हम बात करते हैं कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी की, कॉलम्स की क्या देखनी है हमें, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, या आप बोल सकते हैं कि जब भी आप किसी कॉलम को डिजाइन करते हैं तो आपके पास एक
इक्वेशंस होती है, तो यहाँ पे इक्वेशंस रहती है ये आपकी दो कंडीशंस पे रहती है, कि या तो पहली कंडीशंस कि इफ जो आपका कॉलम है, कॉलम इज डिजाइन ट्रूली एक्सियली लोडेड, ट्रूली एक्सियल लोडेड कॉलम, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ई आपके पास जीरो है, वहां पे कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। जब आपने उसको जीरो इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया है, तो उस कंडीशंस में जो आपका वर्किंग लोड या अल्टीमेट लोड बनेगा वो कितना बनेगा सर, 0.45 इज एफसीके इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.75 इज एफवाई एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, ये बनेगा। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ जब आप कॉपी पेन चला रहे हो तो वहां पे तो ये पॉसिबल है, बट जब आप प्रैक्टिकली आप इसको साइड्स पे बना रहे हैं कॉलम को, तो कॉलम को कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है। इफ तो कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है, तो इसमें जो सेकंड केस आपका बनेगा वो क्या बनेगा कि सर ई आपके पास जीरो नहीं है, कि जो आज आप कॉलम डिजाइन कर रहे हो आप उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में जो मेरा बनेगा लोड दैट इज 0.4 FCK इज एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 FY इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, क्लियर है, ये हो गया आपके पास। ये कब है, ये कब एप्लीकेबल है, ये चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए, किस तरह के सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका तभी एप्लीकेबल है जब आपका सेक्शन कैसा हो सर, जब आपका जो सेक्शन हो, जब हमारा सर सेक्शन कैसा हो कॉलम का, उस सर रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर हो, ये दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल होगी इस इक्वेशन से। बट अगर आपका कॉलम का सेक्शन कैसा हो, सर्कुलर हो, इफ कॉलम का सेक्शन आपके पास सर्कुलर हो, इफ कॉलम का अगर क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है सर आपके पास, सर्कुलर है, और उसको हम कम से कम मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, इनकी ई डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में जो आपका लोड बनेगा वो क्या बनेगा सर आपका बनेगा, उसको जो अबव इक्वेशन है इसको 5% आप इंक्रीज कर दो। जब इसको 5% इंक्रीज, मतलब 1.05 इज 0.4 FCK इज एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कॉम्प्रेशन मेंबर प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन मेंबर। जब आप इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशंस आएगी जनरल, 0.42 इज FCK इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कॉम्प्रेशन मेंबर प्लस 0.67 की जगह क्या हो जाता है 0.70 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। हालांकि हम अलग से इसका एक सेशन लेंगे जहां पर हम सीखेंगे कि जो आपका सर्कुलर कॉलम है उसको आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है कि किस तरह से आपको अपने कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी आप एक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो इक्वेशन है इसका यूज आप तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर के लिए करते हैं या फिर एरिया ऑफ कंक्रीट के लिए कर सकते हैं, क्लियर है, यहां से आप ये चीजें भी निकाल सकते हैं। तो हमें भी वही यहां पर नोट डाउन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि सर एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर मुझे पता करना है, तो वैसे तो आपने लिख दिया है कि सर 99%, तो आपके पास एरिया इन कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, कुछ यही हो जाता है। तो जब भी आप कॉलम को आप डिजाइन करेंगे वो तो आपको क्लियर हो ही गया है कि जो आपका कॉलम होने वाला है वो या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन होने वाला है या उसका स्क्वायर सेक्शन होने वाला है, बट उसको हमें कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगाना पड़ेगा। कौन से वाला, आपको ये वाला, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट सेकेंड वाला। तो हम जब इसको लिखेंगे यहां पर तो दैट इज PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इज एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 इज FY इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर,
क्लियर है। अब ये भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया है। ये सर कैसे आया सर 0.4, क्योंकि इसको आपने जो अबव वैल्यू थी उसको आपने 10% रिड्यूस कर दिया। जब इसको ऊपर वाली वैल्यू को 10% रिड्यूस कर दिया तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को किसके साथ, 0.90 के साथ। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब देखते हैं पीयू आपके पास यहाँ पे नो डाउट ऑलरेडी दिया है। पीयू कितना था सर 2400 किलो न्यूटन, तो वहां पे लिख दे सकते हैं 2400 × 10^3, क्योंकि मैं न्यूटन में कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0.4 एफसी के कितना है सर आपके पास 20 है। उसी तरह से एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर, तो एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर आपके पास 99% ऑफ ग्रॉस एरिया है, यानी कि दैट इज आप लिख सकते हैं 0.99 × ग्रॉस एरिया एजी प्लस 0.67 FY कितना है सर 415 है into area of steel in compression member, तो area of steel in compression member कितना है 1% of gross area है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.01 of gross area यानी कि AG। ठीक है, ये हो सकता है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, मुझे यहाँ से अपना AG मिल जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं किया, 0.4 एफसी की जगह मैंने 20 पुट किया, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर मेरे पास 0.99 ऑफ एजी आया था, तो मैंने वही किया आपके पास, प्लस 0.67 एफवाई 415 है इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर 1% मतलब 0.01 ऑफ एजी, तो वही तो किया है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया है आपका एरिया ऑफ ग्रॉस आ गया है। तो देखते हैं एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया कितना था आपके पास, तो यह जाता है 224299 कुछ, क्या जाता है सर, यह जाता है 224299 mm² आपके पास इतना ग्रॉस एरिया यहां पर आ गया है। जब इतना ग्रॉस एरिया आ गया है तो आप अब क्या करेंगे, अपने कॉलम के सेक्शन को डिसाइड करेंगे। कॉलम के सेक्शन को किस तरह से डिसाइड करना है ये देखिएगा, आपके पास क्या है सर यहाँ पर एरिया ऑफ ग्रॉस आ गया है, वो क्या आया सर 224299 mm², भाई आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया है, तो प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ कॉलम या प्रोवाइडेड द सेक्शन ऑफ कॉलम, सेक्शन ऑफ कॉलम आपने कैसा प्रोवाइड किया है सर, आपने ये प्रोवाइड किया है अपने स्क्वायर मान लेते हैं यहां पर, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप किसी भी कॉलम का, तो उसके लिए आप सभी को पता है कि जो एरिया ऑफ ग्रॉस होगा वो आपका साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि आपका विड्थ का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस एरिया है वो आपके पास कितना है 22429, तो आपका जब उसका बी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो दैट इज 22422s99। जब आप इसका रूट निकालोगे, जो वैल्यूज आपके पास आई उसका रूट निकालिएगा भाई 224299, तो आपके पास कितना आया 473, तो यहां से जो वैल्यू आई वो 473.3.60 mm आई आपके पास, यानी कि आपके कॉलम की साइड ये आ गई। कॉलम की साइड जब इतनी आ गई तो इसको आप अप्रोक्स कितना मान लेते हैं 500 mm मान लेते हैं हम। ठीक है, तो कॉलम का सेक्शन कैसा है आपका, स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा साइज ऑफ कॉलम, तो साइज ऑफ जो कॉलम आपके पास बना वो क्या बन गया सर 500 mm × 500 mm बन गया है। कैसे बना है सर आपका साइज ऑफ कॉलम, ये सर मेरे पास स्क्वायर बना है। ठीक है, तो यहां से आपने कॉलम का साइड डिसाइड किया है, तो आप पीछे डायग्राम्स में इसको साथ साथ बनाते रहे, क्योंकि डायग्राम्स के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहां से मेरे पास सर ये बी है, तो बी कितना है मेरे पास 500 mm हो गया है, और यहां पर मेरे पास क्या दे दी है सर, इसकी डेप्थ दे दी है, और डेप्थ भी कितनी दे दी है सर मेरे पास 500 mm दे दी है। तो यहाँ पे जो बी है मेरे पास वो कितना है सर 500 mm है, और जो मेरे पास डेप्थ है वो भी कितना है सर मेरे पास 500 mm है। क्लियर है, ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। डायग्राम बिल्कुल साथ साथ बना रहे हैं, आपने भी साथ साथ बनाने की कोशिश करना है। क्लियर है, इतना स्टेप्स आपने क्लियर कर दिया है, साइज कर दिया है। अब देखिएगा ये जो आपका ग्रॉस एरिया आया, ये तो तब आया जब आपका जो साइड थी वो 473 mm की थी, यानी कि 474 mm की थी, बट आपने जो एरिया यहां पर प्रोवाइडेड किया है वो कितना किया है आपने, यानी कि साइड जो आपने प्रोवाइड की हो तो 500 mm की है, तो एरिया भी तो आपको इसी का निकालना पड़ेगा, तो एरिया प्रोवाइडेड, तो अब आप क्या निकालेंगे, एरिया प्रोवाइडेड,
तो जो एरिया प्रोवाइडेड आपके पास हो जाएगा, वो जो आपका सेक्शंस है वो क्या है सर, दैट इज 500 × 500 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है आपके पास, 2 5 2 3 4 mm स्क्वायर आ गया है। अब जो आपके पास ये एरिया प्रोवाइडेड है, ये आपका ग्रॉस एरिया से क्या है सर, ज्यादा है। तो एरिया ग्रॉस को आप इसको क्या कह सकते हैं, वो एरिया रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, कि कम से कम एरिया तो आपको इतना रिक्वायर्डेड है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका एरिया प्रोवाइडेड है, एरिया प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए आपके पास सर, मोर देन होना चाहिए एरिया रिक्वायर्ड से, एरिया रिक्वायर्ड से। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। 500 के लिए जो एरिया आया था वो आपके पास 251234 mm स्क्वायर आया था, 250,000 के आसपास। और जो इसके लिए एरिया आया था आपके पास वो कितना आया था सर, 22 आपके पास 2,24,000 स्क्वायर। तो आपके पास जो प्रोवाइडेड एरिया हो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कंडीशंस क्या है पास सर आपके पास, ओके है, क्लियर है। तो ये तो आपने क्या निकाल दिया है, इसका एरिया निकाल दिया है, क्लियर है। आप चाहो तो यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में, एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। बट एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी स्लेंडरनेस लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्लेंडरनेस लिमिट्स में क्या देखेंगे हम स्टेप 4 में, कि डिटरमाइन द स्लेंडरनेस ऑफ कॉलम। तो स्लेंडरनेस ऑफ कॉलम इसका मतलब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कॉलम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कॉलम यहाँ पर देखने वाले। टाइप्स ऑफ कॉलम मीन्स कि सर वो आपके पास शॉर्ट कॉलम है क्या सर, ये आपके पास शॉर्ट कॉलम है क्या सर, वो हमारे पास लॉन्ग कॉलम है, ये तो चेक कर ले। सेक्शन तो आपने बता दिया है कि सर स्क्वायर है, बट ये तो पता कर ले। तो इसके लिए आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम हमने की है, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर भी आपके कॉलम को क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पेडेस्टल की। पेडेस्टल क्या होता है, कि जब आपका स्लेंडरनेस रेशो लेस देन 3 होता है तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं, और जब आपका स्लेंडरनेस रेशो 3 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, और अगर आपका स्लेंडरनेस रेशो इज 12 और 12 से ज्यादा हो, बट शुड नॉट बी मोर देन, बट 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम उसको लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। तो आप सभी को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका स्लेंडरनेस रेशो होता है, स्लेंडरनेस रेशो होता क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। तो हो सकता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डाइमेंशंस इज लेस देन 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इस वाली कंडीशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डाइमेंशन इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 12, क्लियर है। उसी तरह से इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो बोलता है, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डाइमेंशंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। अब जो आपके पास ये लीस्ट लेटरल डाइमेंशंस होता है सर, इसका क्या फंडा है, तो इसका भी मैंने आपको फंडा बताया था कि जब भी आप किसी कॉलम को डिजाइन करते हैं तो कॉलम को दो ही डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। पहली डायरेक्शन तो हो सकती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा सर, उसकी कॉलम की हाइट दिखाई देगी, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ दी कॉलम बोल सकते हैं। और जो दूसरी डायरेक्शन होती है आपके पास डायमेंशंस की, वो आपके पास लेटरल डायरेक्शन में होती है। लेटरल डायरेक्शन में आपको कॉलम का क्या दिखाई देता है सर, क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है। क्रॉस सेक्शंस में क्या होता है आपके पास, b × d होता है, यानी कि b × d। तो यहां पे भी जो आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होगा वो किसके अलोंग होगा सर, आपकी लेटरल डायरेक्शंस के अलोंग होगा। और जब लेटरल डायरेक्शन के अलोंग होगा तो यहां पे जो लीस्ट लेटरल डायमेंशंस हो सकता है वो सर आपके पास b भी हो सकता है और आपके पास d भी हो सकता है। किसी भी केस में सर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस b भी हो सकता है और d भी हो सकता है, b भी हो सकता है सर और d भी हो सकता है, जो कम है। आज तो क्रॉस सेक्शन आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए तो आपको b और d में से कोई एक लेना है, कोई भी एक साइड ले लीजिएगा, 500 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो देखते हैं अब हम पहले से देखेंगे यार, पेडेस्टल नहीं, हम देखने वाले हैं कि सपोज कीजिएगा कि वो शॉर्ट कॉलम है, तो हम शॉर्ट कॉलम के लिए देखते हैं कि इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम, पहले मैं शॉर्ट के लिए देखने वाला हूं,
कि जो स्लेंडरनेस रेशो अगर 3 से बड़ा हो बट 12 से छोटा हो तो इसको हम स्लेंडरनेस रेशो बोलते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशो आपके पास क्या होती है सर, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। क्या लिया हमने, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। क्लियर है। अगर आपके पास कैसा हो सर, लेस देन 12 हो तो उस कंडीशंस में हम इसको बोलेंगे शॉर्ट कर्व। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एल इफेक्टिव कितना है सर आपके पास, तो आया था सर 2600 mm आया था। लीस्ट लेटरल डायमेंशंस आपने किसके लॉन्ग लिया सर, यहां पर इसको मैं और भी लिख सकता हूं सर, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या तो आप बी ले लीजिएगा या डी लीजिएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो आपने ले लिया है 500। ये वैल्यूज आपके पास किससे कम आनी चाहिए सर, ये आपकी आनी चाहिए लेस देन 12 से कम है तो ये आपका कॉलम क्या हुआ सर, लॉन्ग कॉलम हुआ। तो देखिएगा 2626 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके पास कितना आया, ये 5.2 आया है। तो यहां से जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो, ये भी एमएम है तो एमएम में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये भी एमएम में आया था यहां पर, तो एमएम से एमएम कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया आपके पास 5.2 आ गया है। तो दैट इज 5.2 इज लेस देन 12। कि अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम है तो 5.2 आया तो शॉर्ट कॉलम हुआ, और 3 से बड़ा है तो आपके पास शॉर्ट कॉलम हो गया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कौन सा कॉलम है सर, शॉर्ट कॉलम है। क्लियर है। तो इतनी कंडीशंस आपको क्लियर होगी होगी। आप चाहो तो बी के लॉन्ग करोगे तब भी यही आएगा, या डी के लॉन्ग करोगे तब भी यही आएगा क्योंकि यहाँ पे बी और डी आपका सेम है, 500 × 500 है। क्लियर है। तो इतना आपको स्टेप यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट्स लिख देते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे कॉलम है उसको डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन एज ए शॉर्ट कॉलम। किसकी तरह डिजाइन किया जाएगा, आपका शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन किया जाएगा। और शॉर्ट कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है सर आपके पास, वो सर स्क्वायर है। ठीक है, अभी आप यहां तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसी तरह से अपने मिनिमम इसेंट्रिसिटी के क्राइटेरिया की। तो जब भी आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया चेक करोगे तो उसके लिए भी दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन है कि जब आपका सेक्शन कैसा हो सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो और सर्कुलर सेक्शन हो, तो उस कंडीशंस में आपका ई मिनिमम कैसा होगा, तो ई मिनिमम होगा आपका मैक्सिमम ऑफ एल, एल बोले तो अनसपोर्टेड लेंथ। अगर आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ भी दिया है और इफेक्टिव लेंथ दिया है तो आपने यहाँ पे कौन सी लेंथ लेनी है सर, आपने अनसपोर्टेड लेंथ लेनी है। अगर उसने अनसपोर्टेड लेंथ नहीं दी है, सिर्फ इफेक्टिव लेंथ दी है, तो आपने अनसपोर्टेड लेंथ की जगह आप इफेक्टिव लेंथ रख सकते हो। क्लियर है। तो अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशंस इज इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm, व्हिच एवर इज मैक्सिमम। तो यहां पर जब मैं इसको बनाना चाहूं तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपके पास सर यहां पर ई एक्स के अलोंग, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखने वाले हो मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा। अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500। अब यहाँ पे लीस्ट लेटरल क्या हो सकता है सर, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। जब हम उसको एक्स के लॉन्ग फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा सर, डी बाय 30 और 20 mm आएगा। ठीक है, बट जब हम इसको ई वाई के लॉन्ग देखने वाले हैं तो ई मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैक्सिमम हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगा, प्लस प्लस भी रखिएगा भाई, प्लस बी बाय 30 और 20 mm, 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम। क्लियर है। ये कब है, जब आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो या सर्कुलर हो। आज जो आपका सेक्शन हो कैसा है सर, स्क्वायर है। क्लियर है। बट अगर आपका सेक्शन कैसा हो, नॉन रेक्टेंगुलर हो या फिर नॉन स्क्वायर हो या नॉन सर्कुलर हो, तो उस कंडीशन में जो ई मिनिमम होगा वो मैक्सिमम होगा आपका एल ई। एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ ही लेना है आपको, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय 300 और 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। तो यहां पर अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूं, वैसे तो मैंने यहां पे बनाया है आपको प्रीवियस में, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि सर ये मेरे पास क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। तो अगर मैं ये देखता हूं तो ये क्या है सर, इसकी एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, और ये वाला सेक्शन है आपका दैट इज वाई एक्सिस है। तो जब मैं इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करूंगा तो ये किस सेक्शन को कट कर रही है, इसकी डेप्थ को कट कर रही है। तो तभी तो मैंने यहां पर इसको, जब ई एक्स के लॉन्ग इसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना चाहिए तो मैंने उसको किसके लॉन्ग कट किया सर, डी के लॉन्ग कट किया है।
तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ex minimum is equal to maximum l upon 500 plus d by 30। कोई बात नहीं, आपको डाउट है तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सर आप वहां पे बार बार तो हम नहीं जाने वाले हैं। कि मान लेते हैं सर ये आपका कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम की कुछ एक्स एक्सिस है आपके पास और कुछ वाई एक्सिस है। ये मान लेते हैं कॉलम की ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इसका विड्थ दिया है सर, विड्थ कितना है सर हमारे पास 500 एमएम है, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है आपके पास तो 500 एमएम है। और यहां पे अगर हम इसकी डेप्थ देखते हैं तो डेप्थ कितनी है सर इसकी 500 एमएम है, तो ये हमने इसकी 500 एमएम ले ली है, क्लियर है। तो मुझे क्या देखना है उसकी ई एक्स मिनिमम देखना है। तो ई एक्स मिनिमम जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस सेक्शन को कट कर रही है सर, उसकी विड्थ को कट कर रही है, उसकी डेप्थ को, तो उसकी डेप्थ को कट कर रही है, तो मैंने उसको डी के लॉन्ग लिया है। जब मैं उसकी वाई एक्सिस पे उसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं तो उसके कौन से सेक्शन को कट कर रही है सर, उसके विड्थ को कट कर रही है, तो मैंने यहां पर बी लिखा है, क्लियर है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। तो पहली कंडीशंस में यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं इसकी कि जो आपके पास ई एक्स मिनिमम जो होगा वो क्या होगा सर, आपके पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बोले तो अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस आपके पास डी डिवाइडेड बाय 30 और 20 एमएम, कुछ इस तरह से है, यस सर। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है 4 मीटर है, तो आप कीजिएगा 4000 डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी कितना है आपके पास 500 है और ये आपके पास 30 है, क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे ये 20 mm है। हालांकि चाहे आप दोनों किसी के लॉन्ग भी निकालो, डी के लॉन्ग भी निकालो और बी के लॉन्ग निकालो, आपके पास सेम आने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जब इसको हम कट करेंगे तो यहां से ये गया यहां से, तो यहां पर कितना आ गया आपके पास 8 आ गया है। अब हम 500 डिवाइडेड बाय 30 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 16.67 आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस 8 कीजिएगा तो आपके पास 24.66 आ गया है, 24.67 ले लिया मेरे और 20 mm। तो मैक्सिमम लेना है यानी कि ई एक्स जो मिनिमम आपके पास आएगा, EX जो मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, इन दोनों का मैक्सिमम कितना है 24.67 mm आया है, ठीक है। यानी कि आपका जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है आपकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप कंडीशन चेक कर लीजिएगा क्या ये सेटिस्फाई भी है या सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि नॉट पॉइंट क्या है कि जो आपका E मिनिमम होना चाहिए वो आपका लेस देन इक्वल टू 5% बोले तो 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होना चाहिए। आज जो हमारे पास कंडीशन है E मिनिमम की वो लेस देन 0.05 लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, मतलब आपके पास क्या है, आपका पास ये सर B भी हो सकता है और आपके पास D भी हो सकता है। तो B भी आपके पास सर 500 mm का है और डी बी सर आपके पास 500 mm का है, तो इन दोनों में से आप कोई लीजिएगा तो इनटू 500 लीजिएगा, ठीक है। तो जो ई मिनिमम आपके पास आया दैट इज 24.67 mm इज लेस देन है, तो इसको करेंगे तो दैट इज 25। यानी कि जो आपके पास कम से कम इसेंट्रिसिटी है वो आपके पास कितनी है 25 mm है, तो उससे कमी है तो बिल्कुल सही है, तो मामला क्या है सर आपका ओके है, ठीक है। अब आप चाहो तो विड्थ के लॉन्ग निकालोगे तो भी आपका सेम आएगा, आप या मैंने डी के निकाल दिया है आप बी के भी निकाल दीजिएगा तो सेम होगा। बट अगर आपके पास सेक्शन रेक्टेंगुलर हो तो आपको बी के लॉन्ग भी देखना पड़ेगा और उसको डेप्थ के लॉन्ग भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसका मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर है। अब जब हमने इसका स्लेंडरनेस कर दिया है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कर लिया है, तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्टील का। तो आप सभी जानते हैं कि सर आपके पास जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर होता है वो क्या था सर, 0.01 ऑफ ग्रॉस एरिया था, क्लियर है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है सर आपको, यहाँ पे ग्रॉस एरिया है, ये कौन सा एरिया था आपका, रिक्वायर्ड एरिया था, कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या अब स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं, क्या आपको सर ये रिक्वायर्ड एरियाज के लिए लेना है, यहाँ पे देखिएगा, क्या सर आपके लिए जो स्टील कैलकुलेट करना है इस एरिया के लिए करना है या इस एरिया के लिए करना है, मतलब
2500 के लिए करना है। तो आपके लिए किसके लिए करना है कि जितना आपने सेक्शन का साइज लिया है उसके हिसाब से लेना है, तो ज्यादा के लिए करना है आपको। इसके लिए नहीं एरिया कैलकुलेट करना है, आपको इसके लिए करना है क्योंकि आपने साइज कितना लिया है अब 500 × 500। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो कितना आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड नहीं आएगा, वो आपका प्रोवाइडेड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा 0.01, एरिया ग्रॉस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया प्रोवाइडेड लिख रहा हूं। एरिया प्रोवाइडेड इज यूज्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर इज 0.01 × एरिया ऑफ ग्रॉस 251234। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर आ जाएगा। तो 0.01 × 251234 आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर, 2500। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज 2500 mm² आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें ये मैंने आपको पहले भी बता दिए सारे पॉइंट्स, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास सर, एरिया आ गया है। अब आपको क्या करना है, एरिया भी मिल गया है, तो जब एरिया मिल गया है तो अब आपने यहाँ पर जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उसका डाया एज्यूम करके रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स है तो इसका कुछ ना कुछ सर डाया भी होगा, जिसको मैं डाया ऑफ मेन बार बोलता हूँ। तो इसको आप एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने 20 mm का लिया है, आप चाहो तो आप 25 का ले सकते हो, आप चाहो 30, 32, जो आपको लेना हो लेना, बट कम से कम आपका 12 से ज्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है, प्रोवाइडेड द डाया ऑफ मेन बार्स, क्योंकि जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील का जो एरिया हमें मिल गया है तो अब आप क्या निकाल सकते हैं सर यहाँ पे, उसका डाया ऑफ मेन बार्स। तो यहाँ पर जो डाया ऑफ मेन बार्स प्रोवाइडेड किया मैंने, डाया ऑफ मेन बार इज प्रोवाइडेड, कितना प्रोवाइड किया सर आपने, दैट इज 20 mm प्रोवाइडेड किया है। जब 20 mm प्रोवाइडेड किया है तो एरिया ऑफ वन बार आप निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं एरिया ऑफ वन बार। तो एरिया ऑफ वन बार आपके पास कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई बाई 4 × डाया ऑफ मेन बार का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 × 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 × 20 = 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7854 × 400। तो आपके पास कितना आया, तो एक बार का एरिया आ गया 314.16 mm² आ गया है। तो यहां पर आपने एक बार का एरिया भी कैलकुलेट कर दिया है और आपके पास यहां पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर भी है। तो क्या आप नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स आप निकाल दीजिएगा, नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर इंटू एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर कितना आया था आपके पास, 2500 mm² आया था, और एरिया ऑफ वन बार कितना आया था, 314.16 mm² आया था। क्लियर है, तो ये चीज आपने यहां पे निकाल ली है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, 2500 / 314.16, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, 7.95 bars आ गई है, 7.95 bars आ गई है। 7.95 का मतलब है आपके पास 8 bars यहाँ पर आ गई है। तो आपने कितनी bars प्रोवाइड करनी है, 8 bars प्रोवाइड करनी है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका sections कैसा हो सर, सेक्शन कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो और स्क्वायर हो, तो उस कंडीशंस में आपके पास कम से कम 4 bars तो आपके पास ऑलरेडी होगी, बट इसने कहा टोटल 8 bars। तो 8 bars जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, 4 यहाँ पर एक मैंने इन बिटवीन प्रोवाइड कर दिया है, अभी समझिएगा इसको, इन बिटवीन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये वाले इन बिटवीन मैंने क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है आपके पास। ठीक है, इन बिटवीन मैंने 4, तो टोटल बार मेरे पास कितनी हो गई है, 8 bars। तो 8 bars अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पे भी आप दिखा ही सकते हैं। ठीक है, कुछ एक बार यहाँ पे होगी आपके पास, यहाँ पे होगी आपके पास, यहाँ पे होगी आपके पास, और कुछ यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सर ये मैंने बार और प्रोवाइड की है, ये वाली कुछ, ये कुछ बैक में होगी, नहीं दिखाई दे रही मतलब उसके बैक में होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पर दिखा दी है।
अब देखिएगा, यहाँ पर आपने एरिया ऑफ प्रोवाइड तो निकाल दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ प्रोवाइड आपने निकाल दिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपने उसका एरिया ऑफ स्टील भी निकाल दिया है, 2500 mm था कि आपके पास इतना एरिया ऑफ स्टील हो गया, तो आप मिनिमम एरिया भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहूं, मैं इसको यहाँ पे मेरे पास है खाली पेज, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एरिया ऑफ मिनिमम का क्राइटेरिया। देखते हैं इसको भी अगर हम चेक कर लेते हैं कि जो आपके पास ASC मिनिमम होता है, ASC मिनिमम आपके पास कितना था सर, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया था, तो ये आपके पास कितना आया, 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू बी कितना है सर, 500 इनटू 500। जरा देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो ये कितना है आपके पास, 2500 इनटू 0.8 डिवाइडेड बाय 100 कितना है आपके पास, 2000 कि जो आपके पास ASC मिनिमम होना चाहिए, ASC मिनिमम कितना होना चाहिए एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, वो आपके पास 2000 mm स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम से तो ज्यादा ही आया था आपके पास, बिल्कुल आया था सर, देखिएगा मिनिमम से तो ज्यादा ही आया था, आपके पास कितना आया था, आपके पास तो 2500 आया था, ठीक है, यानी कि जो आपने ASC प्रोवाइडेड इज मोर देन ASC मिनिमम से, ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि ASC आपके पास कितना है सर, 2500 mm स्क्वायर का है, और जबकि ASC मिनिमम कितना है सर, 2000 mm स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम आप इतना तो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ बार्स भी यहां पर बता दी है कितनी, 8 बार्स है, डाया भी आपको क्लियर हो गया है। अब जब डाया आपको क्लियर हो गया तो आप अब स्पेसिंग भी देख लीजिएगा कि स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स, तो देखिएगा यहीं पे हम लिख सकते हैं कि जो स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स जो क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm, वो आपकी 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है सर, 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हम देखिएगा पीछे, अब देखिएगा यहां पर अगर मैं इसकी सेंटर लाइन लेता हूं और इसकी, तो अगर यहां पर हम देखते हैं, मान लेते हैं आपने यहां पर सर कवर भी प्रोवाइड कर दिया है, कवर जो आपने प्रोवाइड किया है कुछ वो भी प्रोवाइड किया होगा, स्पेसिंग भी देख लेते हैं हम, तो यहां पे अब यहां पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार से, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ताकि लेटरल डायरेक्शन में मूव ना करे, तो आपने क्या प्रोवाइड की होगी सर, कुछ ना कुछ आपने यहां पर स्टीरअप्स भी प्रोवाइड की होगी, तो ये होगी आपके पास स्टीरअप्स, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ स्टीरअप्स भी प्रोवाइड की होगी कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो देखिएगा अब जो यहाँ पे इस स्टीरअप से कुछ यहाँ पर आपने कवर भी प्रोवाइड किया है, तो मान लेते हैं जो आपने यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया है वो आपका 40 mm का कवर है, यहाँ पे भी जो आपका कवर है वो भी कितना होगा सर, 40 mm है, आप एग्जैक्ट डायग्राम बना लीजिएगा 40 mm, तो 40 और 40 80, 500 में से 80 गया, तो कितना बचा आपके पास, 420 बचा, तो यहाँ पर जो आपके पास स्पेसिंग आ रही है वो तो क्या आ रही है आपके पास, 300 से एक्सीड कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, उसको इन बिटवीन आपको कोई ना कोई बार्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिएगा इसको हम यहां पे लिख लेते हैं कि स्पेसिंग तो सर हमारे पास क्या हो रही है सर, एक्सीड कर रही है, तो जब आपके पास स्पेसिंग 300 बार से एक्सीड कर रही है तो उस कंडीशन में आपको कैसे स्पेसिंग फाइंड आउट करना है, तो स्पेसिंग हो जाएगा आपके पास, स्पेसिंग हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, ओवरऑल डेप्थ कितनी है आपके पास सर, वो सर 500 है, माइनस 2 इनटू क्लियर कवर आपने कितना दिया है सर, 40 दिया है, तो यहां से कितना आ गया है सर, 520 mm आ गया है। अब जो 520 mm है वो एक्सीड कर रहा है आपका किससे, 300 mm से, तो आप क्या कीजिएगा उसका 520 के आधे पे एक बार्स प्रोवाइड कीजिएगा, तो 520 कितनी आई आपके पास, 520 आई है, तो 520 बटा 2 कर दीजिएगा, 520 बटा 2 करेंगे तो यहां पर 260 आ गया है, और 260 जो है आपके पास वो आपकी 300 mm से कम है, तो आपने क्या किया सर, आपने जो टोटल 8 बार्स आपकी थी आपने क्या कर दिया है, इन बिटवीन आपने एक बार्स प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास दो मेन बार के सेंटर टू सेंटर की जो स्पेसिंग है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो उस कंडीशंस में आपने क्या कर दिया है सर, इन बिटवीन आपने क्या कर दिया है, आपने कौन सी बार प्रोवाइड कर दी है, मेन बार्स प्रोवाइड कर दी है,
क्लियर है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब जो इसका मैं डाया लिख देता हूं, अगर इसके डाया ऑफ मेन बार्स की बात कर लेते हैं तो आपने एक ही किया है, दैट इज 20 mm ही यूज किया है। क्लियर है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमारे पास इतना यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है, तो इसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम अब लेटरल रेनफोर्समेंट, क्योंकि भाई जब लॉन्गिट्यूडनल बार्स आपने टोटल 8 प्रोवाइड कर दी है और उनकी स्पेसिंग भी आपको पता लगी कि दो बार के बीच की जो स्पेसिंग है 260 है। क्लियर है, यानी कि मैंने उसमें स्टीरअप्स का भी इंक्लूड ही नहीं किया है। क्लियर है, तो देखिएगा जब हम लेटरल रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करते हैं तो जो लेटरल रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो आपका किस किस की फॉर्म में हो सकता है? सर वो आपके पास लेटरल टाइज की फॉर्म में हो सकता है, लेटरल टाइज की फॉर्म में हो सकता है आपके पास, और एज ए हेलिकल और स्पाइरल की फॉर्म में हो सकता है। इसका यूज तो आप तभी करते हैं जब आपका कॉलम का सेक्शन कैसा हो, सर सर्कुलर हो, ठीक है। और इसको आप कब करते हैं लेटरल टाई, जब आपका कॉलम का सेक्शन कैसा हो, सर रेक्टेंगुलर हो और आपका स्क्वायर हो। तो यहां पे देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि हमें यहां पे क्या देखना है, सर लेटरल टाइज देखना है। लेटरल टाइज हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन लेटरल डायरेक्शन, कि जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो लेटरल डायरेक्शन में क्या ना करें, सर बकल ना करें। क्लियर है, तो यहां पर जो लेटरल टाइज का डाया निकलेगा वो मैक्सिमम होता है 1/4 डाया ऑफ मेन बार का मैक्सिमम लेना है। कब? अगर आपने दो डिफरेंट डाया के बार यूज किए हैं, मैंने तो एक ही लिया है तो मैं वो की लूंगा, और 6 mm। क्लियर है, बट जो अब नया कोड आया है उसके मुताबिक आप 6 mm की जगह क्या याद रखना, सर 8 mm। तो देखते हैं यहां पर जो डाया ऑफ लेटरल टाइज जो आपके पास हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा आपके पास 1/4 डाया ऑफ मेन बार। तो डाया ऑफ मेन बार कितना लिया आपने पास, 20 लिया है, तो यहां से तो आपके पास 5 mm आ गया है और आपके पास 6 mm आ गया है। तो यहां से तो आपके पास जो डाया ऑफ बार होना चाहिए वो 6 mm होना चाहिए, बट न्यू कोड के मुताबिक आपको कितना लेना है, सर 8 mm लेना है। तो प्रोवाइडिंग द डाया ऑफ लेटरल टाइज, लेटरल टाई बोलो या लिंक भी बोलो, टाई वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 8 mm हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से अब सेकंड जो क्राइटेरिया देखेंगे वो हम पिच का देखेंगे। तो पिच क्या होती है सर, ये देखिएगा, तो पिच होती है आपके पास शुड नॉट बी मोर देन, यहां पे लिखा है कि लेस देन होनी चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 16 टाइम डाया ऑफ मेन बार। अब जो डाया ऑफ मेन बार यहां पे लेना हो आपको मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट वाला लेना है और 300 mm, आपने तो एक ही लिया है तो उसी को आपको लेना है यहां पर। तो ये हो जाएगा पिच, होगा आपके पास शुड नॉट बी ग्रेटर देन, लिख सकता हूं मैं लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, तो आपके पास क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, और आपके पास 300 mm, और आपके पास हो सकता है 16 टाइम डाया ऑफ मेन बार का क्या कौन सा लेना है आपको, स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम लेना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशंस आपके पास कितना है, सर 500 mm है, तो आप 500 mm लीजिएगा और ये आपके पास 300 mm हो गया है, और 16 टाइम डाया ऑफ मेन बार स्मॉलेस्ट मतलब एक ही लिया है आपने, तो आपके पास ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 320 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी पिच आई वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सर स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन आपके पास 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई है। तो प्रोवाइड द लिंक डाया, प्रोवाइडेड द डाया ऑफ लिंक जो आपने प्रोवाइड किया हो, कितना प्रोवाइड किया है सर, 8 mm किया है, कितना किया है 8 mm किया है, स्पेसिंग जो रही है एट द एट स्पेसिंग रही है आपके पास कितनी रही है सर, 300 mm की रही है। क्लियर है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, पूरी तरह से डिजाइन कर लिया है डियर। क्लियर है, तो यहां पे देखिएगा आप डायग्राम पे आ जाइएगा। अब हमने यहां पे क्या किया है सर, अपने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन में अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार्स को लेटरल डायरेक्शन में बकल ना करे, तो हमने यहां पे क्या प्रोवाइड किया है सर, कुछ अपनी कौन सी बार प्रोवाइड की है, ये की हमने कुछ इस तरह से, ज्यादा नहीं मैं दिखा पाऊंगा बट दो दिखा दे रहा हूं, वो आपका परफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास सर, ये हो गया आपके पास दैट इज लेटरल टाइज,
ठीक है, और ये इसके बीच की ये क्या हो गई सर, यहां पर हमने ये ले ली इसकी स्पेसिंग, दैट इज पिच। और पिच क्या है आपके पास आई यहां पर, शुड नॉट एक्सेड 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहां पर आपके लेटरल टाइज का जो डाया आया आपके पास वो कितना आया, शुड नॉट बी मोर देन 8 mm से ज्यादा नहीं आया, यानी कि 8 mm का आया आपके पास। क्लियर है? तो यहां पर मैंने ये क्या प्रोवाइड कर दिया है, यहां पर आपकी दैट इज, यहां पर मैं इसको दिखा रहा हूं, ये क्या है सर आपके पास डाया ऑफ लेटरल टाइज आपके पास कितना आया सर, 8 mm का आपने प्रोवाइड किया है। क्लियर है? अब यहां पर आप चाहो तो यहां पर एक और एडिशनली लेटरल टाइज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जब लेटरल टाइज प्रोवाइड कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप प्रोवाइड कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को, जितना भी इसका डिटेलिंग था आपको 15 से 20 मार्क्स के लिए, एसएससी जेई हो, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज हो, किसी भी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछा जाएगा डियर। तो इस क्वेश्चंस को कंप्लीटली एनालिसिस कीजिएगा, इसका डिजाइन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग बने। अगले लेक्चर्स में जो हम बात करेंगे अपने, वो बात करेंगे आपके जिस तरह से एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम को हमने डिजाइन करके देखा, अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे हेलिकल रेनफोर्समेंट, कि जब आपने हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है तो आपको किस तरह का सेक्शन वहां पे अडॉप्ट करते हैं, यानी कि सर्कुलर सेक्शन, तो उसको आप किस तरह से वहां पर डिजाइन किया जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए डियर।